देखे जिलेबिया मोड़ की तरह मोड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। देख लीजिए जिलेबिया मोड़ की तरह मोड़ दिखाई दे रहा होगा आपको। देख लीजिए दोस्तों पहाड़ी के ऊपर अब हम लोग चढ़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर देख लीजिए यहाँ से चढ़ाव मिलेगा आपको, देख रहे हैं ना हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, देख सकते हैं। देखिए कितना पहाड़ का नजारा है, देख लीजिए दोस्तों जिलेबिया मोड़ की तरह पहाड़ों का नजारा का हम लोग आनंद उठाते हुए। देख सकते हैं जिलेबिया मोड़ के तरफ से हम लोग निकल रहे हैं, देखिए कितना पड़ाव ये पहाड़ चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और ये बादल आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, कैमरा में आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों हम लोग सुइया पहाड़ के से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको पूरा देवघर का नज़ारा दिखाएंगे, ये पार्ट टू ब्लॉक में आएगा, पार्ट टू में हम आपको दिखाएंगे। देखिए सुइया पहाड़, ये सुइया पहाड़ है, यहाँ से देवघर 44 किलोमीटर मात्र है दोस्तों, आप देख सकते हैं बरसात भी चालू है, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा देखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपको सुल्तानगंज से बाय रोड इस वीडियो में हम दिखाएंगे बाय रोड कैसे जा सकते हैं, पूरा नज़ारा देखिए। आपके सामने से बैगन आर आ रही है, बैगन आर देख लीजिए, ये है सुइया मोड़, सुइया पहाड़ दोस्तों, इसी को हम सुइया पहाड़ बोलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ का सीन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आपको बता नहीं सकते हैं यहाँ पे, आप बताइए मतलब आपको क्या बताएं, जो सीन दिखाई दे रहा है सिर्फ आँख से ही हम लोग महसूस कर सकते हैं, कैमरा में तो रिकॉर्ड होगा नहीं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जंगल का सीन है दोस्तों, देख रहे हैं ना, बाका ब्रांच से हम लोग दोस्तों क्रॉस कर रहे हैं और बाजार को तो हमको मालूम नहीं है लेकिन आप लोगों का पता होगा, आप लोग देखिएगा और बाजार बताइएगा कौन सा बाजार को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा झमाझम बारिश है दोस्तों, बासुकीनाथ धाम है चंदन 18 किलोमीटर, तो चलिए दोस्तों हम लोग कटोरिया बाजार को क्रॉस करते हुए देवघर के तरफ रवाना हो रहे हैं, और ये देखिए भाई साहब इनका मार्ग चुतर लाल करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे छुछुंदर लोगों के लिए, और ये लोग रास्ते पर गाड़ी लगा कर मस्ती कर रहे हैं कटोनिया बाजार में, और इनका नंबर का भी पता नहीं है, गाड़ी नंबर क्या है,
छोटा सा मार्केट है दोस्तों, चंदन बाजार। हम लोग क्रॉस करते हुए देवघर पुलिस में आपका स्वागत है दोस्तों। बाबा नगरी में आपका स्वागत है। बाबा नगरी में हम लोग पहुंच चुके हैं। बाबा बैजनाथ टेम्पल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बैजनाथ देवघर नगरी। आप समझ सकते हैं भीड़ भाड़ से बाबा बैजनाथ मंदिर 7.8 किलोमीटर। हम लोग देवघर में आ चुके हैं और यहीं पर हम लोग रुकेंगे। देख लीजिए कितना सुंदर नजारा है। देखिए यहीं पर रुकना है हम लोगों को। इतना अच्छा सा बना हुआ है, देख रहे हैं एरिया। ये चलो साग सब्जी ले लिया, कहीं मिली न। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नजारा है यहाँ का।